दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर भूगोल का प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाएं। तो बीए फर्स्ट ईयर भूगोल का प्रोजेक्ट फाइल बना, देखिए मेरा बीए फर्स्ट ईयर भूगोल का प्रोजेक्ट फाइल है और कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट फाइल है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेरा होम पेज, यहाँ पर मेरा नाम और वर्ष लिखा है, विषय भी लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं एक पेज पर और अपना नाम लिखा हूँ। इसके बाद यह देखिए, यहाँ पर कुछ जो लिखवाया गया है उसके बारे में लिखा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मेरा फाइल है। और भी देखिए यहाँ पर, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जो चित्र बनाना है, मापनी का जो चित्र बनाना है, उसको हमेशा राइट साइड में ही लिखना होगा। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ मापनी का चयन। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मापनी व्यक्त करने की विधियाँ। इसके बाद यहाँ पर साधारण मापनी, आपको जो चित्र बनाना है, यहाँ पर देखिए मैं इस चित्र को बनाया हूँ। आपको जो चित्र बनाना है उसको हमेशा राइट साइड में ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो फाइल है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं कुछ इस तरह का बनाया हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का लिखा हूँ। इसके बाद आपके सामने ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तुलनात्मक मापनी है। यह तुलनात्मक मापनी आपको हरदम, जब भी आप चित्र बनाएंगे तो आप राइट साइड में ही चित्र बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो सवाल है विकर्ण मापनी का सवाल ये है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, विकर्ण मापनी का चित्र है। इसके बाद मैं और आपको दिखाते, यहाँ वर्नियर मापनी है, यहाँ वर्नियर मापनी का चित्र है राइट साइड में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्थलाकृत मानचित्र, यहाँ पर देखेंगे भूपत्रक, यहाँ पर देखेंगे टोपोग्राफी का चित्र या भूपत्रक है, मिर्ज़ापुर और वाराणसी का जो है नक्शा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ गुणसूत्र हैं, जो चित्र इस तरह के बने हुए हैं। एक पेज में आपको 8 चित्र बनाना है। यहाँ पर देखिए, 8 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर, 16 और 3 यहाँ पर है, 16 3 19, कुल मिलाकर 19 गुणसूत्र हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे भूपत्र, अगला